रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने ये भी अंदेशा जताया है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला कर सकता है। इसी बीच रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर डील की है। वहां पर काला सागर में भी रूसी नौसेना ने एक्सरसाइज की है। रूस ने यूक्रेन को तीन तरफ से घेर रखा है। उसकी सीमा के पास करीब 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक यहाँ तैनात हैं। कुछ समय पहले तक 1 लाख सैनिकों की तैनाती की रिपोर्ट थी। कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन की सीमा से सैनिकों की वापसी का ऐलान किया था, लेकिन वहाँ रूसी सैनिकों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लड़ाकू विमान, सैन्य वाहन और उपकरण भी तैनात कर दिए हैं।